मुफ्ती शोएबुल्लाह खान साहब के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। रूह क्या चीज है,
इसको तुम अभी नहीं जान सकते, तुम्हारे पास इतना इल्म नहीं है, तुम्हारे पास इतनी अकल नहीं है। तुमको जो इल्म दिया गया है वो बहुत थोड़ा सा इल्म दिया गया है, बस इतना जान लो अरबी रूह मेरे परवरदिगार का एक हुक्म है, मेरे परवरदिगार का एक अमर। इससे ज्यादा इंसान इसके बारे में जान नहीं सकता। ये सवाल का जवाब था जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को बताया गया। ये वाकया भी बता रहा है कि यहूदी उलमा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जांचने की कोशिश की तो इल्म से जांचा कि आपका इल्म कैसा था, आप क्या क्या बातें जानते हैं। वो चीजें जो आमतौर पर लोग जान नहीं सकते, वो जो बातें अगर आप जानते हो तो हम समझे कि आप अल्लाह के वाकई पैगंबर और नबी हैं। ऐसे बहुत सारे वाकयात तारीख के अंदर मिलते हैं कि जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से इस किस्म के सवाल किए गए, आपने उनके जवाब फराहम किए और फिर जानने वालों ने जाना, और जानने वाले कुछ तो वो थे जो मानने वाले भी बन गए और कुछ वो भी थे जिनको किसी चीज ने रोक नहीं। एक तो है जानना और एक है मानना। जहां तक जानने का सिलसिला है, अल्लाह ने ऐसे दलाइल कायम कर दिए, सारी दुनिया पर आश्कारा कर दिया है कि कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता था कि अल्लाह के पैगंबर नहीं। उनके दिल अंदर से गवाही देते हैं, सुबानों पर भी आया करता था। और इस सिलसिले में जो सबसे बड़ा मोजज़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया, इल्मी मोजज़ा वो कुरान, कुरान की शक्ल में आपको दिया गया इल्म का ज़खीरा। और हम किस्म के उलूम का एक समंदर, और फिर उसकी जुबान, उसका उसलूब, उसका तर्स, ये अजीब गरीब मौजज़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। और देखने वालों ने देखा, जांचने वालों ने जांचा, परखने वालों ने परखा, हाँ मानने वालों ने माना, ना मानने वालों ने ना माना। लेकिन जहां तक जानने का मसला था वो तो बिल्कुल साफ कर दिया अल्लाह ने मौजज़ा के जरिए से। और आपके अखलाक और किरदार और मुख्तलिफ और दो से जमा करी आप अल्लाह के पैगंबर है और अल्लाह के नबी। उनमें से एक चीज थी जिसका जिक्र मैंने किया, और फिर कुरान करीम एक चीज है जिसके जरिए लोगों के ऊपर हुज्जत काम कर दी गई। अरब वालों पर जिनको नाज था अपनी जुबान, जिनको नाज था अपनी बलागत पर, जिनको नाज था अपनी फसाहत पर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मौजज़ा कुरान की शक्ल में उसके जवाब में दिया गया कि देखो ये अल्लाह के पैगंबर है, ये अल्लाह का कलाम है, इसके अंदर ऐसे उलूम है, इसके अंदर उलूम के खजाने हैं, इसके अंदर इल्म का एक समंदर ठांटे मारता हुआ मौजूद है, इसके अंदर हैरत अंगीज किस्म के उलूम, और उसके साथ इसकी जुबान और उसका बयान का अंदाज, ये खुद भी एक अजीब मौजूदा है। चुनाचे जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इसको भेज दिया, सारी दुनिया हैरान रह गई, दंग रह गई। अरब के बड़े बड़े फसीह और दलील जिनको अपनी जुबान पर बड़ा नाज था, जो अपनी जुबान पर नाश करते हुए थकते न थे, और जब मुकाबले होते थे तो उस जुबान ही के जरिए एक दूसरे पर मुकाबला आदाई करते थे। बड़े बड़े मुशायरे होते थे और मुशायरों के अंदर कलाम पेश किया जाता था, वाह वाह हुआ करती थी, हैरत अंगीज अंदाज पर इधर से और उधर से और उधर से और इधर से कलाम का सिलसिला जारी रहता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह मौजज़ा दिया गया और चैलेंज दिया गया
कि आप कह दीजिए, लोगों को बता दीजिए कि अल्लाह का कलाम है, किसी इंसान का कलाम नहीं है। आपको बताया गया कि आप खुलकर बता दीजिए कि मेरा कलाम नहीं है। अगर मेरा कलाम होता, मैं भी तुम जैसा इंसान हूं, मैं भी अरब ही का परवरदा हूं, मैं भी तुम ही लोगों के दरमियान में पला और बड़ा हुआ हूं, मैं तुम्हारे ही दरमियान में रहकर तुम्हारी ही जुबान बोलता रहा हूं, मेरी और कोई जुबान नहीं, वही जुबान जो तुम बोलते हो। और मैंने कहीं जाकर पढ़ा भी, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी उस्ताद के पास, किसी मदरसे में मैंने जाकर कोई तालीम हासिल नहीं, मैं तुम्हारे ही दरमियान में रहा हूं। لقد لبست فيكم عمر من قبله نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے میں نے تمہاری درمیان میں تو زندگی گزاری ہے۔ اب یہ کلام ایسا عجیب و غریب تھا کہ ساری دنیا حیران ہے۔ عرب کے فصحا، بلغا، ادبا، شعرا سب کے سب دان ہے، کسی کے بس میں نہ تھا کہ اس کا کوئی جواب دے دے۔ اسے کہ انسان کا کلام ہوتا تو اس کا جواب ہو سکتا تھا، یہ تو اللہ کا کلام تھا، بھلا کون اس کا جواب دے سکتا تھا، ساری دنیا عاجزہ۔ جب سورت الکوثر نازل ہوئی، جو بہت چھوٹی سی سورت ہے، اِنَّا آتَيْنَا الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جس کے اندر تین جملے، تین آیت ہیں، قرآن کی سب سے چھوٹی سورت۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ سورت نازل ہوئی، اللہ کے حکم کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ پر اس کو لکھوا کر ٹنا دیا، اس چیلنج کے ساتھ کہ اگر کوئی مائی کا لال چیلنج کرنا، میرے چیلنج کو قبول کرنا چاہتا ہو، میرے چیلنج کو قبول کرے اور اس کا جواب دے دے۔ تین آیتیں، چھوٹی سی سورت، تین ہی آیات میں اتنے ہی لب و لہجے میں اس کا جواب فراہم کر دے۔ بہت دنوں تک وہ کعبے پر ٹنگی رہی آیا، لیکن کوئی مائی کا لال سامنے نہیں آیا۔ جو بڑے بڑے قصیدے لکھتے، جو بہت لمبا چوڑا کلام بولتے اور پھر بدی کلام کیا کرتے، بچہ بچہ شاعر تھا، عورتیں شاعرہ تھیں، مرد شاعر تھے، وہاں پوری فضا میں شاعری کا جو ہے غلغلہ مچا ہوا، لیکن اس کے باوجود کوئی شخص اس کا جواب دینے کے لیے آگے نہیں آیا۔ بہت دنوں کے بعد ایک شاعر نے، جو بہت بڑا شاعر تھا، ان تین آیتوں کے بازو ایک آیت اور لکھ دیا، اور لکھا تو یہ لکھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق کا کلام نہیں ہے، کسی انسان کا کلام، بشر کا کلام نہیں ہے، بھلا اس کا کون جواب دے سکتا ہے۔ تین آیتیں پہلے سے موجود، اِنَّا آتَيْنَا الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اس نے ایک جملہ رہا دیا، مَا هَذَا قَوْلُ الْبَشَرِ، کسی بشر کا کلام نہیں، یعنی جواب دینے پہ آیا تو جواب یہی دے سکا، یہی ماننا پڑا، اعتراف کرنا پڑا کہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام۔ روایت کے اندر ایک عجیب واقعہ آتا ہے کہ ابو سفیان اور ابو جہل اور اخنس بن شعیب، یہ تینوں کے تینوں پکے کافر، ابو جہل کو کون نہیں جانتا،
वो तो मरते दम तक काफिर रहा। अखनस वो भी बहुत बड़ा बदतरीन काफिर, और अबू जहल अबू सुफयान वो भी उस वक्त तक काफिर ही थे, बाद में अल्लाह ने उनको तौफीक दे दी तो ईमान ले आए। जिस जमाने का ये वाकया अर्ज करने जा रहा हूं, उस जमाने का मक्के की फिजा में यह वाकया पेश आया था, उस वक्त अबू सुफयान भी काफिर थे और काफिरों के सरदार थे। कहते हैं कि तीनों के तीनों रोजाना रात में जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदर रात में तहज्जुद के अंदर कुरान करीम पढ़ा करते थे, तो ये लोग कुरान सुनने के लिए जमा हो जाते थे। लेकिन इस तरह जमा होते थे कि एक को दूसरे की खबर नहीं होती, किसी कोने में एक छुप के सुन रहा है और दूसरे कोने में दूसरा छुप के सुन रहा है और तीसरे कोने में तीसरा छुप के सुन रहा है। क्या सुन रहा है? वो कलाम सुन रहा है जिसको मानने तैयार हो। जवाब कुछ नहीं, चैलेंज पर चैलेंज है। यहां तक कि अल्लाह ने एक बार ये कहा, फातू भी अश्ली सुवरी मिस्री, अगर तुमको दम है तो कुरान के जैसी 10 सूरतें बनाकर पेश कर दो। जब इस पर उनकी हार सामने आ गई, शिकस्त उनको हो गई, तो अल्लाह ने दूसरा चैलेंज दिया और कहा फातू भी सूरा, अरे 10 सूरतें बनाना क्या मुंह है तुम्हारा, एक सूरत बनाकर पेश करो। 10 सूरतें बना, 10 सूरतें नहीं, एक सूरत का चैलेंज देता हूं, फातू भी सूरत में से ही कुरान के जैसी एक सूरत बनाकर पेश कर। और फिर अल्लाह ने यह भी कहा قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أي نبي آپ چیلنج کرتے ہوئے یہ بھی کہہ دی کہ اگر تمام جنات اور تمام انسان سب کے سب جمع ہو جائے اور قرآن کے جیسا کلام بنا کر پیش کرنا چاہے भी, तो कुरान के जैसा कलाम बनाकर नहीं पेश कर सकते। इनमें से बास बास के मुआफी और मददगार बन जाए, ताबुन करे, एक दूसरे के साथ ताबुन करते हुए बनाना चाहे, तब भी कुरान का कोई जवाब लिखकर नहीं पेश कर सकता। तो बात इतना सब कुछ होने के बावजूद, हार मानने के बावजूद, हाल ये था कि लोग कुरान करीम सुनने के लिए जमा हो जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में आमतौर पर कुरान मजीद अल्लाह के सामने खड़े होकर पढ़ा करते थे तहज्जुद में, कभी पूरी पूरी रात और कभी आधी रात। कुरान कहता है, और ये बिल्कुल इब्तिदाई दौर की सूरत में कहा गया है, या अय्युहल मुज़म्मिल कुम लका इल्ला क़लीला निस्फहु अव इन्कुस मिन्हु क़लीला अव ज़िद अलैही। अल्लाह कहते हैं ऐ मुज़म्मिल, ऐ चादर ओढ़ने वाले, ये बिल्कुल इब्तिदाई दौर की आयात है, इब्तिदाई दौर की सूरत। या अय्युहल मुद्दस्सिर, ये भी इब्तिदाई दौर की, और फिर ये भी या अय्युहल मुज़म्मिल इब्तिदाई दौर की सूरत है। अल्लाह ने कहा या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ चादर ओढ़ने वाले, कुमिल लका इल्ला क़लीला, आप रात में खड़े होकर हमारे सामने राज़ो नियाज़ करना चाहते हैं, आप हमारे सामने खड़े होकर हमारी इबादत करना चाहते हैं, जी हां कीजिए जरूर, इल्ला कलीला, लेकिन थोड़ा आपने ऊपर रहम भी कीजिए और कुछ देर आराम भी कर लीजिए। क्या लगता है अल्लाह, कुम लैला
इल्ला कलीला। आप पूरी पूरी रात खड़े रहे, अल्लाह ताला ने रहम करके उन्हें आयत नाज़िल फरमाई, कुम इल्लैला इल्ला कलीला। आप खड़े हो, इबादत हमारे लिए करें इल्ला कलीला, मगर थोड़ी देर आराम भी कर लिया कीजिए। हो सकता है किसी को सवाल पैदा हो, अगर अल्लाह पर रहम और करम करते हुए अल्लाह के नबी के साथ यही कहना था तो फिर अल्लाह ताला यूं कहते कि ऐ नबी आप सो जाया कीजिए, थोड़ी देर उठकर इबादत कीजिए। कुम इल्ला इल्ला कलीला के बजाय नबी इल्ला इल्ला कलीला, कुम इल्ला इल्ला कलीला के बजाय नबी इल्ला इल्ला कलीला। आप रात में सो जाया करें, थोड़ी देर उठ जाया करें। ये भी तो हो सकता था ना, लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं, तुम इल्ला इल्ला कलीला, रात भर खड़े होकर इबादत करें मगर कुछ देर आराम भी किया। इसके अंदर एक खास मुद्दा मगर समझ सकते हैं वही जिनके दिलों में अल्लाह के इश्क की आग लगी हुई, जो अल्लाह के इश्क की आग में तप रहे हो, जिनके दिल अल्लाह के इश्क से खाली हो, अल्लाह की मोहब्बत से खाली हो, शायद उनको बहुत देर में समझ में आए या ना समझ में आए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम रोजाना खड़े होते थे, रात भर इबादत किया करते थे रात भर, और वक्त आ जाया करता था पैरों पर, बहुत देर देर तक खड़े रहते थे, रुकू में है तो रुकू बहुत देर तक, सजदे में है तो सजदा बहुत देर तक, क़याम में है तो क़याम बहुत देर तक, लंबी लंबी नमाजें हुआ करती थी, बल्कि पूरी पूरी रात इबादत में गुजार देते थे। और ये क्यों करते थे? महज अल्लाह की मोहब्बत और इश्क किया करते थे। लेकिन अल्लाह ने चाहा कि नबी इतना ज्यादा तकलीफ न उठाए, कुछ देर आराम भी कर लिया। तो आप यहां एक तो यह था कि आपको यूं कहा जाता कि आप रात में सो जाया करें, थोड़ी देर उठ जाया करें, लेकिन किसी माशूक को आशिक यूं कहते तो उसका दिल तो बैठ जाएगा, उसका दिल तो बैठ जाएगा। एक आशिक, एक माशूक अपने आशिक के लिए जा रहा है, खिदमत कर रहा है, और उससे कह दिया जाए नहीं भाई आप आराम करो, जाओ कभी कभी मेरे पास आया करो, उसका दिल टूटेगा कि ना टूटेगा? और कहेगा अरे क्या मेरे से नाराज हो गए, क्या मेरे साथ कुछ ऐसी बात पेश आ गई, मुझसे ये कहा जा रहा नहीं जाओ सो जाओ, थोड़ी देर आया करो मेरे पास, दिल बैठ जाता। इसलिए अल्लाह ने कहा ऐ नबी आप हमारे इश्क में आते हैं, हमारी मोहब्बत में ज्यादा करते हैं, हमारे इश्क मोहब्बत में खड़े रहते हैं, रात भर खड़े रहते हैं, इसलिए हम आपसे कहते हैं खड़े वहां कीजिए, हमारे पास आया कीजिए, इबादत मेरी किया कीजिए, बहुत देर देर तक मेरे पास रहा कीजिए, लेकिन कुछ देर आराम भी कर लिया कीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आशिकाना का कोई लज्जा है, अल्लाह का मकसूद तो ये था कि आप इतनी ज्यादा तकलीफ ना उठाए, लेकिन यूं क्या किया जाता आप सो जाया करें, कुछ देर आया करें, नबी के दिल पर उसका क्या असर गुजरता? इसलिए अल्लाह ने कहा नहीं आया कीजिए, इबादत किया कीजिए, मेरे पास रहा कीजिए, बहुत देर तक रहा कीजिए, लेकिन आपका अपना भी कुछ ख्याल कीजिए, इल्ला कलीला कुछ देर आराम होना चाहिए। तो फरमाया तुम इल्ला कलीला, लेकिन वो कलील कितना होना चाहिए? कुछ देर जो आराम है वो कितना आराम होना चाहिए? अल्लाह ने कहा निस्फहु अगर उसमें वो कलीला औसत अलग, अल्लाह ने कहा वो थोड़ा जो आराम करना है आपको वो आधी रात आराम करना है और आधी रात सो जाना है,
आधी रात इबादत करना है, आधी रात सो जाना है। पहले तो देखो लबो लहजा क्या है, इल्ला कलीला, कुछ देर आराम करो। लेकिन वो कुछ की बात में तफसील वो करने से वो आधी आधी रात आराम कर लेना। पहले ये अगर कहते आधी रात हमारे पास आओ, आधी रात सो जाया करो, तब भी नबी के दिल में उसका गहरा असर होगा। इसलिए पहले का कलीला, थोड़ी देर आराम करो, बाकी वक्त हमारे पास। लेकिन तफसील कर दिया गया निस्वाहु, आधी रात आराम कर लो, आधी रात हमारे सामने खड़े हुए थे और कहा औसिदा नहीं अभी मुस्लिम हो कलीला, औसिदा नहीं या आधी रात से कुछ कम या आधी रात से कुछ ज्यादा आराम कर लिया कीजिए, बाकी रात हमारे पास गुजारा कीजिए। ये है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का वो इश्क मोहब्बत, यहां खड़े खड़े पूरी रात इस तरह गुजारा करते। तो जब ये सूरत हाल थी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर जो जो आयतें कुरान की नाजिल हो चुकी होती थी उसको अल्लाह के नबी पढ़ा करते। जब नबी पढ़ रहे हो तो क्या मजा आता होगा, ये तो नबी की जुबान, दूसरे खुदा का कलाम और तीसरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क और मोहब्बत में डूबा हुआ अंदाज, ये सब चीजें मिल मिलाकर जो वहां बात पैदा कर देती होगी उसको तो जुबान के अल्फाज से ताबीर करना मुमकिन नहीं। कलाम है अल्लाह का, जुबान है नबी की, और फिर इश्क मोहब्बत में डूब कर किस लबो लहजे में अंदाज में अल्लाह के नबी पढ़ रहे होंगे वो तो खुदा भी जानता है और नबी भी जानता है। जब इन कुफार को पता चला कि वो रात में इस कलाम को खड़े होकर पढ़ते तो ये बड़े बड़े सरकारें थे, ये लोगों को मना करते थे और कहते थे कुरान मत सुना करो, कुरान सुनोगे तो तुम उन्हीं के हो जाओगे, कुरान का जादू तुम पे चल जाएगा। कुरान ऐसी चीज थी जो सुनता था मुतासिर होता था, मरऊब होता था, नबी पर ईमान लाने तैयार होता था, उस कुरान को मानने पे मजबूर हुआ करता था। इसलिए इन लोगों ने कहा नहीं कुरान को बस सुन लो, ये तो एक जादू वाला कलाम है, इसको तुम सुनोगे तो तुम पर जादू हो जाएगा। अपने आवाम को मना करते थे और कहते थे कुरान न सुनो, और ये भी कहते थे जब वो कुरान पढ़ा करे शोर मचाओ, जरा हंगामा करो, उनकी आवाज दब जाए और तुम खाली आ जाओ, लाल जो तुम दर ले गए ताकि तुम खाली आ जाओ, नबी की आवाज दब जाए और दूसरे लोग उनका कलाम न सुन सके। ये था इन काफिरों मर्दों का शेमा और तरीका। लेकिन उसके बावजूद उसमें जो लज्जत और मजा था उसको सुनने के लिए बेचैन होते थे, रात का इंतजार करते थे। अबू सुफियान भी, अबू जहल भी, अखरस बिन शुराद भी यहां कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अतराफ जमा हो जाते थे, कोई उधर कोई उधर छुप छुप कर, और ये समझते थे मेरे सिवा यहां कोई नहीं है। अबू सुफियान का भी ख्याल था मैं ही यहां हूं और कोई नहीं। अबू जहल भी ये समझता था मेरे सिवा यहां कोई नहीं, वो अखनस बिन शुराब भी ये समझता था कि मेरे सिवा यहां कोई नहीं है। इसलिए सब ये समझकर कि तन्हा मैं सुन रहा हूं और मजा लूटूंगा इस कलाम का, इसलिए खड़े होकर रात भर सुनते थे। हुआ ये कि जब निकले सुबह होने के बाद या रात के आखिरी हिस्से में जब अल्लाह के नबी ने तिलावत को खत्म फरमाया तो ये अपने घरों की तरफ लौटने के लिए जब चले, इत्तफाक ऐसा हुआ कि उस कोने से वो निकला तो इस कोने से ये निकला, उस कोने से वो निकला, और तीनों की मुलाकात हो गई और तीनों के तीनों एक दूसरे से मिलकर शर्मिंदा हो गए।
उसको देखकर उसे शर्म आ रही है, उसको देखकर उसको शर्म आ रही है कि हम सारी दुनिया को कहते हैं मोहम्मद का कलाम न सुनो, मोहम्मद के पास न जाओ, और हम सब रात को नींद की कुर्बानी लेकर आए हुए हैं। ये भी एक अच्छी बात है, नींद की कुर्बानी, आराम का वक्त उसको कुर्बान किया और उस कलाम को सुनने के लिए, सुनने का जो जज्बा था उसको पूरा करने के लिए चले आए थे। अब तीनों की मुलाकात होती है तो ये तीनों एक दूसरे से कहते हैं भाई हमसे गलती हो गई, नहीं आना चाहिए था। अब हम तीनों वादा करते हैं कि कल से हम ऐसी हरकत नहीं करेंगे, इससे कि अगर हमारे आवाम को पता चल जाएगा कि हम ये कलाम सुनने के लिए जो आया करते हैं रातों में, तो फिर सारी दुनिया मोहम्मद की गुलामी करेगी। इसलिए वादा करो कि कल से नहीं आएगा। तीनों ने वादा कर दिया, कसमे खाई, उसके बाद चले गए। जब दूसरी रात हुई, अंदर से बेचैनी होने लगी, अरे सुनना चाहिए वो कलाम, क्या टेस्ट है उस कलाम में, क्या लज्जत और हलावत है उस कलाम में, क्या अजीब और गरीब अंदाज है उस कलाम का, ऐसा कलाम तो कहीं हमने नहीं सुना, ऐसा पाकीज़ा और ऐसा अजीब और गरीब अंदाज का ऐसा कलाम तो कहीं नहीं है, सुनना चाहिए। अब वो सुफियान दिल दिल में कहने लगे, वो दोनों तो वादा कर चुके हैं कि नहीं आएंगे, वो दोनों तो नहीं आएंगे, मैं कसम तोड़ के चला जाऊंगा। अबू जहल ने भी यही सोचा कि वो दोनों नहीं आएंगे, मैं चला जाऊंगा। तीसरे ने भी वही सोचा, वो दोनों नहीं आएंगे, मैं चला जाऊंगा। अब वहां गए और फिर तीनों की मुलाकात हो गई। भाइयों, ये बात बता रही है ये अल्लाह का कलाम कैसा अजीब और गरीब हैरत अंगीज कलाम था। आज उम्मत इस कलाम को पढ़ने से कतरा रही है। अबू जहल सुनने को तैयार, अबू सुफियान सुनने को तैयार, बागी को सरकश इसको सुनने को तैयार, लेकिन उम्मत है कि मुंह मोड़ मोड़ के जा रही है। कितने लोग हम में ऐसे मौजूद हैं जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता? आप ये समझते हैं कि अबू जहल को कुरान पढ़ना नहीं आता? अरे वो तो उसकी मादरी जुबान थी, उसी की मादरी जुबान में नाज़िल हुआ था, उनको आयतें भी याद थी, अगरचे मानते चाहे ना हो लेकिन उनको कलाम का एक हिस्सा याद था, एक दूसरे को पेश करते थे, एक दूसरे को सुना करते थे। आज ये आयत नाज़िल हुई, आज ये आयत नाज़िल हुई, आज ये नाज़िल हो गया, आज ये सूरत नाज़िल हो गई, मोहम्मद ने ये पेश कर दिया, मोहम्मद ने ये पेश कर दिया, पूरी दुनिया के अंदर छुटपुट मचा कर दिया। लेकिन आज हमारे घरों के अंदर कुरान मौजूद है लेकिन कुरान की कोई धूम नहीं है। कुरान की धूम के बजाय कुरान पर धूल है। कुरान की धूम मचने के बजाय आज हमारे घरों के अंदर कुरान पर धूल जमी हुई है। वो धूल में हटकर लोग उठाना गवारा नहीं करते, देखना गवारा नहीं करते, पढ़ना गवारा नहीं करते। रख दिया तो रख दिया, उसकी सफाई तक उनको जहन के अंदर नहीं आती। भाइयों, जब हमने कुरान छोड़ दिया तो हमारी हैसियत दुनिया में घटती चली गई। बताया रहा था यह हैरत अंगीज कलाम जिसको कुरान करीम कहते हैं, बताओ एक मौजिजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया गया। मैं पहले कह चुका हूं, आपके जानने का, आपके कलाम की मारिफत का और आपकी नबूवत को जानने का सबसे बड़ा तरीका आपका इल्म, आपकी दियानत, आपकी अमानत, आपका अखलाक, आपका किरदार, और उसी के अंदर ये कुरान के अल्लाह ने आपको अता फरमाया। इसके जरिए मेरे नबी को पहचानो, इसके उलूम को देखो, क्या क्या उलूम है कुरान मजीद के अंदर, हैरत अंगीज उलूम है इसके अंदर। और इस किताब में जितने उसूल और जितनी जरूरत की बातें एक इंसान की जिंदगी के लिए चाहिए, वो तमाम के तमाम अल्लाह ने उसके अंदर जमा फरमा दिए।
उसके अलावा तारीख उसके अंदर मौजूद है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो लोग गुजरे, जो कौमें गुजरी, जो अंबिया गुजरे, इजमालन या तफसीलन, इशारतन, किनायतन या सराहतन व वजाहतन अल्लाह ने इन सब का तज़किरा कुरान मजीद के अंदर फरमाया है, बताया है कौन कौन कौमें गुजरी, उनके साथ क्या मामला थे, अच्छी कौमों का तज़किरा, बुरी कौमों का तज़किरा, अच्छे लोगों का तज़किरा, बुरे लोगों का तज़किरा, अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का तज़किरा, उनकी दावत का तज़किरा, उनके अख़लाक़ और किरदार का तज़किरा और उनकी जिंदगियों का नक्शा कुरान करीम के अंदर पेश किया गया है। और इसके अलावा हैरत अंगीज वो उलूम कुरान ने पेश फरमाए हैं जो बाद के दौरों में खुलते जा रहे हैं, साइंसी उलूम, टेक्नोलॉजी के उलूम, ये उलूम जो आज साइंसदानों पर खुलते जा रहे हैं, कुरान के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजों का तज़किरा फरमाया गया। आज कहने वाले, सुनने वाले, पढ़ने वाले उनको पढ़ पढ़कर हैरत करते हैं कि ये क्या कहा गया, आज हमारे सामने ये बात आ रही है। तो इस तरह कुरान करीम के अंदर उलूम का ज़खीरा है, तारीख उसके अंदर मौजूद है, पेशगोईयां उसके अंदर मौजूद है, कयामत तक आने वाले अहवाल का उसके अंदर तज़किरा मौजूद है। और फिर इस दुनिया के हालात ही नहीं बल्कि इस दुनिया के बाद क्या होने वाला है अल्लाह ने उसका तज़किरा फरमाया, आखिरत का तज़किरा, जन्नत का तज़किरा, दोज़ख़ का तज़किरा, दोज़ख़ में क्या होगा, जन्नत में क्या होगा, हिसाब और किताब के मराहिल, ये सारी की सारी बातें उसके अंदर आश्कारा कर दी गई। ये किताब हिदायत इंसानों को दी गई, ये हैरत अंगेज किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीम बिल्कुल मौजूदा। और एक चीज जिससे नबी की पहचान है, जिस किताब मैंने इशारा किया, वो है आपके अखलाक। इसलिए जांचने वाले जब आते थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जांचने, जो उलमा थे, यहूदियों के उलमा, ईसाइयों के उलमा, तो आपके अखलाक और किरदार को देखते हुए आते हैं। हदीस के अंदर वाकया मौजूद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार एक यहूदी आदम के साथ सलम का मामला किया। सलम के माने यह है, एक किस्म की तिजारत है ये, उसमें यह होता है कि पैसा पहले दे दिया जाता है और कुछ मुद्दत के बाद चीज पहुंचाने का वादा होता है। मसलन जैद ने बदर से कहा कि मुझे गेहूं चाहिए इतने किलो गेहूं चाहिए, उसके लिए उसने उसको पैसा दे दिया और वादा हुआ कि एक महीने के बाद या दो महीने के बाद वो गेहूं उसको पहुंचाएगा। इसको कहा जाता है बैए सलम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक साहब से जो यहूदी आलिम था बै का मामला किया, सलम का मामला किया और पैसे उससे ले लिए और मुद्दत तय हो गई कि इतने दिनों के बाद वो चीज पहुंचाएंगे। अभी वो मुद्दत पूरी नहीं हुई, अभी कुछ अय्याम बाकी थे, दो चार दिन, इतने में वो आदमी भरी मजलिस के अंदर आ गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा, बड़े बड़े सहाबा मौजूद, हजरत अबू बकर भी मौजूद है, हजरत उमर भी मौजूद है, दरमियान में आया और आकर कहने लगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए कि ए बनू अब्दुल मुत्तलिब, तुम लोग बड़े धूर्तबाज हो, पैसा लेते हो, हजम कर लेते हो, वक्त पर चीज नहीं पहुंचाते हो,
तुम झूठे हो, मक्कार हो, धोखेबाज हो, यानी जो जो उसके मुंह में आता वहां देखता रहा, आपको झूठा कह दिया, आपको मक्कार कह दिया, आपको धोखेबाज कह दिया और बुरा भला कहने लगा और पूरे खानदान का नाम लेकर कहने लगा। बनो अब्दुल मुत्तलिब ऐसे होते हैं, उनका खानदान ऐसी होता है। हालांकि बनो अब्दुल मुत्तलिब कुरैश का वो खानदान है जो पूरे अर्थ के अंदर शोहरत अपनी दियानत अमानत और सच्चाई में सब से सब में अपना था। लेकिन आपका जो है मजलिस में भरी मजलिस में कहने लगा, हजरत उमर को बड़ा गुस्सा आ गया। वो उठकर खड़े और कहने लगे कि यार सुनना, इजाजत दीजिए कि इस मर्दों की गर्दन उड़ा दूं। ये आपको झूठा बोल रहा है, आपको धोखेबाज कहता है, आपके खानदान को बुरा भला कहता है, आप इजाजत दीजिए इसकी गर्दन उड़ा दूं। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, उमर बैठ जाओ, बैठ जाओ, देखो पहले दोनों की बात सुनो, तुमने उनकी बात सुन ली तो मेरी बात भी सुनो। दोनों की बात सुनने के बाद तुमको फैसला करना चाहिए, एकदम गर्दन उड़ा देने की बात क्यों मुनासिब नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ठंडा किया और बिठा दिया। उसके बाद सारे सहाबा के सामने मामला बयान किया कि इनसे मेरा एक मामला हुआ था बहे सलम का, और उसमें अभी दो चार दिन पांच छह दिन बाकी है, लेकिन उससे पहले ये सहाबा आ गए हैं मांगने के लिए और मुझे झूठा धोखेबाज दे रहे हैं। हकीकत ये नहीं है, अभी दिन बाकी है, उससे पहले आ गए हैं, अगर इनको चाहिए तो मैं अभी पैसा देता हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत बिलाल हबशी से फरमाया, बिलाल इनके इतने पैसे वापस कर दो और उसके साथ इतने ज्यादा मिला के वापस कर दे। वो आदमी वो पैसे ले लिया, लेकर एक तरफ को रखा और कहने लगा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूं वाकई आप मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के बंदे वो पैगंबर है, मैं इस बात की गवाही देता हूं, वही उसके ईमान बदलू। लोगों ने कहा, हैरत की बात है, अभी तो झूठा बोल रहा था, अभी धोखेबाज बोल रहा था, अभी ऐसी ऐसी बातें कह रहा था, पैसे लेने के बाद ये कहता है कि अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये क्या बात है। उसने कहा, बात असल में ये है कि मैं यहूदियों का आलिम हूं, तुम सब मुझे जानते हो, मैं यहूदियों की पूरी किताबें पढ़ा हुआ हूं, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, आखिरी पैगंबर के बारे में पुरानी किताबों के अंदर पढ़ा था। मैं इनके यहाँ आने के बाद, मदीना आने के बाद इनको परखता रहा, जांचता रहा, मेरी किताबों को पढ़ पढ़कर, तौरात को पढ़ पढ़कर, दूसरी किताबों सहीफों को पढ़ पढ़कर मैं जांचता रहा था कि आखिरी पैगंबर की सिफात इस पैगंबर के अंदर मौजूद है कि नहीं है। मैं देखता चला आया, जो कुछ जांचता रहा वो सब कुछ मोहम्मद के अंदर पाता रहा, लेकिन दो बातें अभी काबिल-ए-तहकीक रह गई थी। मैंने अपनी किताबों में पढ़ा था कि आखिरी पैगंबर जो आएंगे उनकी एक सिफत तो ये होगी कि वो गाली का जवाब गाली से नहीं दुआ से दिया करेंगे, गाली का जवाब वो गाली से नहीं दुआओं से दिया करेंगे, और दूसरी बात मैंने ये पढ़ी थी उनके अंदर हिल होगा, उनके अंदर सब्र होगा, वो हर चीज को बर्दाश्त करने वाले होंगे, उनको गाली देने वाले गाली दे, उनको बुरा भला कहने वाले बुरा भला कहे, लेकिन वो गुस्से में नहीं आते, वो हिल रखते हैं, अपने गुस्से को भी जाया करते हैं। ये मैंने तौरात में पढ़ा था, पूरी चीजें मैंने देख ली थी जब कुछ कॉलेज में आई थी, लेकिन ये दो बातें बाकी रह गई। ये मामला हमारा हुआ था, अभी दो चार दिन बाकी ही थे, मैंने ये दो बातें जांचने के लिए पूरा नाटक किया।
ये जो बातें जांचने के लिए मैंने थोड़ा नाटक किया, मैंने खेल खेला, मैंने देखना चाहा वाकई आपके अंदर अहम और सवाल है कि नहीं है, और वाकई आप गाली का जवाब गाली से देते हैं या नहीं देते हैं, ये मैं देखना चाह रहा था। अब मैंने आकर इसीलिए कुछ गालियां दे दिया आपको, झूठा मक्का धोखेबाज तुम्हारा खानदान ऐसा पूरे खानदान को ले लिया। मैंने देखा कि देखते हैं कि गाली का जवाब ये क्या देते, लेकिन मैंने देख लिया कि गाली का जवाब उन्होंने गाली से भी दिया, रहम से दिया, कर्म से दिया, मुझे दिखाया, समझाया, हकीकत हाथ से वाकिफ कराया, ये जो उनका दर्ज अमल दर्ज अमल है ये मुझको नजर आ गया। और दूसरी बात मुझे देखना था कि ये गुस्से में आकर बेतहाशा कुछ बोल भी आते हैं या सब्र करते हुए गुस्से को पी जाते हैं। मैंने पढ़ा था कि उनके अंदर बड़ा हिल्म होगा, वो पी लेते हैं अपने गुस्से को। मैंने यहां पर इसको भी देख लिया, जब सारी अलामात मेरे सामने वाजे हो गई, मैंने उनका अखलाक, उनका किरदार, उनकी अमानत, उनकी दियानत और सदाकत, जो कुछ के हमारी किताबों में लिखा था, मैं सब कुछ देख लिया। अब मैंने ईमान कबूल कर लिया, ये मेरे ईमान लाने का वक्त था, ये सब कुछ वाकया पेश आया। तो भाइयों, ये है नबी को पहचानने का तरीका। मैंने ये मौजू इसलिए उठाया कि हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं, कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, इधर की उधर की सारी मालूमात उनको हो जा रही है, लेकिन उनको नबी की पहचान नसीब नहीं है। कभी पढ़ा हो नबी को कैसा पहचाना जाएगा? आओ नबी के बारे में लिखी हुई किताबों को देखो, ये वो जमाने की बातें जिस जमाने में ये पूरी दुनिया आपकी मुखालिफ थी, पूरे का पूरा मक्का आपका मुखालिफ था, उसके बावजूद क्या किसी ने आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाई है? क्या कभी अबू जहल ने कहा? क्या कभी अबू सुफियान ने कहा? क्या कभी उमैया बिन खलफ ने कहा? क्या कभी अबू लहब ने कहा कि इनके कैरेक्टर में खराबी, इनके अखलाक के अंदर ये गिरावट है? नहीं, बल्कि उसके जगह पूरे का पूरा मक्का अल अमीन अस साकिब के लकब से आपको याद किया करता था। सारे लोग वहां ताज़ीम करते थे। आप उन लोगों को इख्तलाफ आपकी नबूवत से तो रहा है, लेकिन आपके अखलाक से कभी इख्तलाफ नहीं रहा, आपके सच्चाई से कभी इख्तलाफ नहीं रहा, आपकी दियानत और अमानत से कभी इख्तलाफ नहीं रहा। यहां तक कि आपको मालूम होगा, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर मदीना तशरीफ ले जा रहे थे, हिजरत का वाकया पेश आया था, उस वक्त जबकि पूरे का पूरा मक्का मोहम्मद सल्लम का मुखालिफ है, आपकी नबूवत से टक्कर ले रहा है, आपके लिए कांटे बिछा रहा है, आपको चलने और फिरने के लिए मुसीबतें खड़ा कर रहा है, आपकी गर्दन के अंदर जो है कुछ चीजें डाल डाल कर खींच रहा है, आपको तकलीफ पहुंचाने की हर तरह की कोशिशें कर रहा है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए मुसीबत और वही सारे के सारे बदतरीन काफिर अगर किसी पर अमानतदारी और सदाकत की वजह से इत्मीनान किया करते थे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी अमानत भी आपके घर पर रखी हुई। काफिर थे, मर्दूद थे, मुश्रिक थे, बदबख्त थे, आपके दुश्मन थे, लेकिन उसके बावजूद अमानत रखने के लिए, वो जमाना तो बैंकों का जमाना नहीं था, किसी के पास अमानतदार आदमी के पास में अमानत रखने का सिलसिला था, वहां पूरी फिजा पे अगर कोई मोतमद माना गया, अमीन माना गया, सच्चा माना गया, साबित माना गया तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम है। आपके पास एक कुफार अमानतें लाकर रखते थे, जब आप हिजरत करके जा रहे थे तो हजरत अली को छोड़ दिया था अपने घर में और फरमाया था मैं जब यहां से निकल जाऊं उसके बाद यहां देखो ये अमानत फुला की है, ये अमानत फुला की है, ये उसको पहुंचाना है, ये उसको पहुंचाना है, ये फुला को देना है, इसको दे
देने के बाद तुम यहां से पूछ करके मदीना आ जाना। यह है वो चीज जिससे कि नबी की पहचान होती है। रहे जाहिरी मौजजा अल्लाह ने उसको भी कायम करकर खुद जद्दाम कर भी इंशाल्लाह उसके बारे में अगले हफ्ते में कुछ अर्ज करने की कोशिश करूंगा कि जाहिरी मौजजा अल्लाह के नबी से क्या क्या और कैसे जाहिर हुए। अल्लाह ताला हम सबको पक्का और सच्चा ईमान और यकीन अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।